So hi everyone and welcome back once again to another session of government schemes. In today's session guys, we are going to discuss another very important scheme of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. So I hope aap sabne suna hoga that in the year 2020 the government has announced an agriculture infrastructure fund worth rupees 1 lakh crore. 1 lakh crore ka agriculture infrastructure fund government ne announce kiya tha. Now to mobilize that particular fund, they have launched a scheme. एक स्कीम भी लॉन्च करी थी जिस स्कीम का नाम है सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ फाइनेंसिंग फैसिलिटी अंडर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड. आई नो बहुत लंबा नाम है बट इतना लंबा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है. जस्ट रिमेंबर इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड फॉर वॉट फाइनेंसिंग फैसिलिटी अंडर द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड. सी वी ऑल नो दैट देर इज एन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जिसका अमाउंट कितना है, टोटल कॉर्पस कितना है, 1 लाख करोड़. अब उस 1 लाख करोड़ को कैसे मोबिलाइज करेंगे, उसके लिए एक स्कीम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए. सो फॉर दैट, फॉर मोबिलाइजिंग दिस स्कीम वॉज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर. सो लेट्स बिगिन विद द सेशन गाइज, बट बिफोर वी बिगिन, इफ यू आर कमिंग हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस दिस बेल आइकन. यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप फॉर डेली क्विजेस एंड अपडेटेड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द डेली सेशंस एंड ऑल्सो रिगार्डिंग द कोर्सेज. So now let's talk about the schemes and first of all as usually we will do those things that you can do effortlessly jisko aapko dobara se padhne ki zarurat nahi padegi if you are watching this session properly. So first of all let's talk about the objective. Iski baat karte hain, sabse pehle hum objective ke baat karte hain. So what is the objective? So objective maine aapko hamesha bataya that you have to draw the objective from the name of the scheme. In 99% of the schemes you can draw the objective from the name itself. What is the name? Central sector scheme. इसका कोई यूज नहीं है. Catch the keywords. Financing facility under agriculture infrastructure fund, which means the government is providing financial support through the agriculture infrastructure fund. So what are the keywords then? Number one is the financial facility, which means some kind of incentives and financial support is being provided by the ministry. And under what fund? Under agriculture infrastructure fund, जो कि 1 लाख करोड़ का है. अब ये जो इंसेंटिव और ये जो फाइनेंशियल सपोर्ट है ये क्या है ये मैं बताता हूँ. सो बेसिकली द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज दैट द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म. ठीक है, मैं यहां लिख देता हूँ, मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म लोन्स विल बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट थ्रू द बैंक्स एंड द अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर इन्वेस्टमेंट इन द एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर. नाउ व्हाट टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज दिस? This infrastructure is the post harvest infrastructure. Okay, so let me repeat this. The government is providing medium to long term loan for investment in the development of agricultural infrastructure. And what type of agricultural infrastructure is this? It is the post harvest infrastructure. Now you must be wondering, what is this post harvest infrastructure? Post harvest infrastructure kya hota hai? तो पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब यह है, लाइक फॉर एग्जांपल मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. ओके, मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि जो फसल है वो खराब ना हो. फॉर एग्जांपल यू कैन सी पैकेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. सो दीज आर ऑल द पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज रिक्वायर्ड आफ्टर द हार्वेस्ट ऑफ द क्रॉप्स. ओके, क्रॉप्स के हार्वेस्ट हो जाने के बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, दैट इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी बिल्ट अंडर दिस एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड. सो दिस हैज टू बी रिमेम्बर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इंफ्रास्ट्रक्चर जो यहाँ पे बात हो रही है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में, दैट इज द पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर. प्री हार्वेस्ट नहीं है और जो सीड हम डालते हैं उस टाइम पे भी नहीं है, पोस्ट हार्वेस्ट की यहाँ पे बात हो रही है. ओके, सो आई होप गाइस द ऑब्जेक्टिव इज क्लियर. लेट मी रिपीट द ऑब्जेक्टिव. सो द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग द मीडियम टू लॉन्ग टर्म लोन्स एंड for the development of agricultural infrastructure, and this agricultural infrastructure is the post harvest infrastructure. All right, so I hope the objective is clear. Now government agar loan provide kara rahi hai 1 lakh crore ka, to isme farmers ka aur jo bhi other stakeholders hai unka kya fayda hoga, ye aapke dimag mein aa raha hoga, to ye bhi clear ho jayega, don't worry. Ministry of course is the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare headed by Mr. Narendra Singh Tomar. Isme to koi doubt nahi hona chahiye. Now these are the eligible beneficiaries. Now you can see it is a complete list of the eligible beneficiaries. So do you really think ki aapko yaad rakhne ki zarurat padni chahiye? No, this will not be asked in the exam because bahut hi lambi chaudi list hai of the eligible beneficiaries. Lagbhag sabhi log included hain.
हाँ यहाँ पे इफ यू वॉन्ट टू रिमेंबर एनीथिंग देन रिमेंबर दैट रिसेंटली द नेशनल एंड स्टेट फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव्स वर इंक्लूडेड एज द एलिजिबल बेनिफिशरीज एंड ऑल्सो द फेडरेशन ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. अर्लियर FPOs and SHGs were eligible, and from now, recently ये हुआ है, the federations of FPOs and SHGs are also eligible to get the benefits under this scheme. बाकी पहले से चल रहा था, ये दो नए ऐड हुए हैं, National and State Federation of Cooperatives and Federation of FPOs and SHGs. Alright. Other than this, you don't have to remember this complete list. इसमें सभी लोग हैं, देखो primary agriculture credit societies हैं, self help groups हैं, farmer producer organization, farmers joint liability groups. So बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस. सो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस का मतलब क्या है यहाँ पे, बिकॉज द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग द लोन. सो गवर्नमेंट अगर लोन प्रोवाइड कर रही है तो क्या गवर्नमेंट अपनी जेब से निकाल के थोड़ी देगी. सो ये वाला जो टास्क है उन्होंने किसी को डेलीगेट किया होगा, द गवर्नमेंट मस्ट हैव डेलीगेटेड दिस लोन टास्क टू सम ऑर्गेनाइजेशन टू सम इंस्टीट्यूशन एंड दीज आर नोन एज द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस अंडर दिस स्कीम. Now, which are these participating institution? All the scheduled commercial banks, scheduled cooperative banks, RRBs, small finance bank, NBFCs and National Cooperative Development Corporation. Here, you must remember one thing, that payment banks are not included here. All right, payment banks are not included here. You must remember this. This question can be asked in your exam, that which of the following is not one of the participating institutions under this scheme, and payment bank can be one of the options. Okay. पेमेंट बैंक यहाँ पे नहीं है, बाकी हर तरीके का बैंक यहाँ पे इंक्लूड है. सारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स एंड अदर देन दिस एनबीएफसीज एंड एनसीडीसी इज आल्सो इंक्लूडेड. एंड रिमेंबर वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर, दैट फॉर बिकमिंग अ पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन एन एमओयू हैज टू बी साइंड विद नाबार्ड, विद आइदर नाबार्ड और द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर. ओके, डू रिमेंबर दिस थिंग. An MOU has to be signed with either NABARD or the Department of Agriculture and Farmers Welfare. All right. So here, यहाँ पे NABARD का role आ गया है. So remember, so you can see that this scheme is very much important for the NABARD exam. Now talking about the monitoring framework. Monitoring framework की बात कर लो कि किस तरीके से ये scheme monitor की जा रही है. How the scheme is being monitored. So at the national level, there is a national level monitoring committee. And who is the chairperson of national level monitoring committee? It's the secretary in the Department of Agriculture and Farmers Welfare. Then what is the function of this committee? To provide the overall guidelines for the implementation of this scheme. Okay, then at the state level, we have a state level monitoring committee, which is headed by the chief secretary of that particular state. Us state ke jo bhi chief secretary honge, wo uske chairperson honge. And it has the objective to implement the guidelines provided by National Level Monitoring Committee. National Level Monitoring Committee ने जो भी guidelines तैयार करी उसको implement करने का काम किसका है? State Level Monitoring Committee का. Okay? That's very easy to remember. Then we have a District Level Monitoring Committee headed by the District Collector. Very easy. And this District Level Monitoring Committee is the first line of implementation, which means implementation की शुरुआत कहाँ से होगी? District Level Monitoring Committee से. Okay? So this is about the monitoring framework. And now these are the guys things to remember. These things you have to remember. ये आपको याद करना पड़ेगा, ये आपको इसमें effort लगाने पड़ेंगे याद करने के लिए. अभी तक की चीजों में I don't think कि आपको effort लगाना पड़ेगा, because objective is pretty much clear from the name itself. Then उसके बाद ministry तो पता ही है हमें. ये list हमें याद रखने की जरूरत ही नहीं है, इसको बस एक बार read कर लेना. That is more than enough. Participating institutions, all the banks including NCDC. इसके अलावा monitoring level, जो monitoring framework है, that is also, you know, उसको भी याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, because that is very also easy. National level, state level, then district level, उसके बाद secretary, chief secretary or district collector, that is it. So this is very easy. Now let's move on to the things that you have to learn, that you have to remember. First of all, you have to remember that the launch year is the very important part of any particular scheme for any particular exam. It was launched in the year 2020, pichle saal 2020 mein launch hua hai, aur iska jo tenure hai of the implementation wo kitna hai, 13 years ka. That means starting from financial year 21 to financial year 33. Earlier it was for 10 years, but recently it has been extended to 13 years. पहले ये जब शुरू में आया था तो 10 साल का था, उसके बाद इसको बढ़ा के कितना कर दिया, 13 साल, और कब तक, फाइनेंशियल ईयर 2033 तक.
पीरियड ऑफ फाइनेंसिंग फैसिलिटी 6 साल है। अब इसका क्या मतलब है पीरियड ऑफ फाइनेंसिंग फैसिलिटी, यानी कि ये जो 1,00,000 करोड़ रुपए है ये 6 साल के पीरियड में दे दिया जाएगा। पहले ये था 4 साल, नाउ इट हैज बीन इंक्रीज टू 4 ईयर्स। द लोन विल बी प्रोवाइडेड इन द अपकमिंग 6 फाइनेंशियल ईयर्स। ओके, अर्लियर इट वॉज 4 ईयर्स एंड नाउ इट हैज बीन एक्सटेंडेड टू 6 ईयर्स। तो उसके बाद क्या होगा, बाकी 7 सालों में क्या होगा, यू मस्ट बी वंडरिंग दिस कि भाई इम्प्लीमेंटेशन तो 13 साल का है और पैसा 6 साल में दे देंगे, बाकी टाइम क्या करेंगे, बाकी टाइम वापस भी तो लेंगे बिकॉज इट इज अ लोन विच इज बीइंग प्रोवाइडेड। ऑलराइट, ये लोन है जो कि प्रोवाइड कराया जा रहा है तो ऑफकोर्स वो लोन वापस भी तो लेना पड़ेगा। एंड वी ऑल नो द साइज ऑफ फाइनेंसिंग फैसिलिटीज, हाउ मच, ₹1,00,000 करोड़। टोटल फाइनेंसिंग फैसिलिटी का साइज कितना है, 1,00,000 करोड़ रुपए जितना फंड है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, देर इज अ सेक्टर स्पेसिफिक फोकस ऑल्सो। यहाँ पे सेक्टर स्पेसिफिक फोकस की भी बात की गई है और सिर्फ एक या दो सेक्टर स्पेसिफिक की बात की है। 24% ऑफ द टोटल ग्रांट्स इन एड अंडर द स्कीम विल बी प्रोवाइडेड टू द एससी और एसटी एंटरप्रेन्योर्स। एससी और एसटी एंटरप्रेन्योर को 24% ऑफ द टोटल ग्रांट्स इन एड विल बी प्रोवाइडेड अंडर द स्कीम एंड आउट ऑफ दिस 24% 16% विल बी गिवन टू एससीज एंड 8% विल बी गिवन टू एसटीज। ओके, एससी बेनिफिशियरीज को 16%, एसटी बेनिफिशियरीज को 8%, इन टोटल 24% ऑफ द टोटल ग्रांट्स इन एड विल बी प्रोवाइडेड टू द एससी और एसटी बेनिफिशियरीज। ऑलराइट, एंड द स्कीम आल्सो सेज दैट द लेंडिंग इंस्टीट्यूशन विल एंश्योर एडिक्वेट कवरेज ऑफ अदर वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी लाइक वुमेन, एंड यू कैन से कोई भी अगर वल्नरेबल सेक्शन है या माइनॉरिटी हो गई कोई और अदर, उन सबको कवर करने की कोशिश की जाएगी, ऐसा गाइडेंस दिया गया है टू द लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द गवर्नमेंट्स खर्चे। अब गवर्नमेंट के खर्चे की बात कर लो, गवर्नमेंट्स बजटरी सपोर्ट, ये गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। और रिमेंबर यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं, देयर इज नो रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ओके, इट इज कंप्लीटली अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम विच मीन्स द 100% फंडिंग इज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली। ऑलराइट, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट सबवेंशन कॉस्ट। सो इंटरेस्ट सबवेंशन विल बी प्रोवाइडेड बिकॉज ऑब्वियसली इफ गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग लोन, okay, if government is providing loan and the beneficiaries has to return the loan, then what benefit is government providing? Government क्या benefit क्या दे रही है? भाई loan तो मैं बाहर से भी ले सकता हूँ कहीं से, तो government दे रही है interest subvention, कितना? 3%, interest subvention of 3% up to a limit of ₹2 crore, जो loan की limit है वो कितनी है? 2 crore, 2 crore के loan तक के लिए 3% का interest subvention is being provided by the government for a maximum period of 7 years, कितना? 7 साल। उसके बाद अगर 7 साल में लौटा दोगे तो 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता रहेगा, उसके बाद जो भी एक्चुअल आरओआई है उसके हिसाब से लोन वापस देना पड़ेगा। ऑलराइट, सो डू रिमेंबर दिस दैट 3% इंटरेस्ट सबवेंशन इज बीइंग प्रोवाइडेड फॉर अ लोन अप टू ₹2 crore फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 7 ईयर्स। ऑलराइट, एंड इन केस ऑफ लोन्स बियॉन्ड 2 crore, अगर 2 crore से ज्यादा का लोन है तो जो इंटरेस्ट सबवेंशन होगा वो 2 crore तक ही मिलेगा। ऑलराइट, एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द क्रेडिट गारंटी कॉस्ट। क्रेडिट गारंटी कॉस्ट ₹2 crore की प्रोवाइड कराई जाएगी, अप टू द ₹2 crore क्रेडिट गारंटी विल बी प्रोवाइडेड बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू द बैंकिंग इंस्टीट्यूशन एंड बैंकिंग और द अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और ये जो गारंटी होगी दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू CGTMSE। ओके, सो एंड नाउ बेनिफिट्स। अब देखो गाइज, जो हमारा पेपर है नाबार्ड का वो अब उसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी होंगे, सो जहां जहां पे भी डिस्क्रिप्टिव पार्ट इंक्लूड किया जा सकता है आई विल ऑल्सो इंक्लूड दैट। ओके, जैसे यहाँ पे इस स्कीम के क्या बेनिफिट्स हैं इसको हम इंक्लूड कर सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस द बेनिफिट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस बेनिफिट्स फॉर द फार्मर्स, एंड हियर फार्मर्स इंक्लूड्स FPOs, PSEs, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्सेट्रा। तो सबसे पहला फायदा क्या होगा, मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है, तो मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अगर इंप्रूव हो रहा है तो फार्मर्स कैन ईजिली सेल देयर प्रोडक्ट्स। If the marketing infrastructure is improving, then of course farmers can now easily sell their products. So improved marketing infrastructure to allow farmers to sell directly to a large base of consumers, and it will definitely increase the income of the farmers. जो government of India का target है 2022 तक double करना है, आ गया 2022, कब होगा double? तो government पूरे के पूरे कोशिश कर रही है कि yes, we have to achieve that target by the year 2022. Other than this, with investments in logistic infrastructure, and of course, जब logistic infrastructure improve होगा, again, it will be a benefit, it will be a
यू नो बेनिफिट टू द फार्मर्स, उससे क्या होगा, उससे भी उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो जल्दी बिकेंगे। देन विद मॉडर्न पैकिंग एंड कोल्ड स्टोरेज सिस्टम के आ जाने से फार्मर की मर्जी है कि वो जब चाहे उसको तब बेच सकता है, बिकॉज उसके जो क्रॉप्स हैं वो खराब नहीं होंगे। ओके, सो विद द मॉडर्न पैकिंग एंड कोल्ड स्टोरेज सिस्टम एक्सेस, फार्मर्स विल बी एबल टू फर्दर डिसाइड व्हेन टू सेल इन द मार्केट। सो अभी जैसे लेट अस से कि अभी किसी क्रॉप का जो प्राइस है दैट इज ₹50 per quintal, ओके, बट फार्मर वॉन्ट्स दैट ही वॉन्ट्स टू सेल इट एट द ₹100 per quintal। सो नाउ ही कैन स्टोर दैट पर्टिकुलर क्रॉप विद द डेवलपमेंट ऑफ दीज कोल्ड स्टोरेज सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर। राइट, and talking about the agri entrepreneurs and startups, so how will they get benefits? So they will also get funding to develop the to develop such technologies which can help in the development of agricultural infrastructure, that is post harvest. Right, so they will push for innovation in agriculture sector by leveraging new age technologies including internet of things, artificial intelligence, etc. And talking about the banking ecosystem, so what benefit this scheme will provide to the banking ecosystem? अब banking ecosystem को क्या फायदा हो सकता है, सोचो। So banking ecosystem को क्या फायदा होगा, सोचो। फायदा ये होगा कि अगर बैंक ज्यादा लोन बांटेगी तो उसको चलो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन मिल तो रहा है, और उसका कंज्यूमर बेस भी तो बढ़ रहा है। सो विद क्रेडिट गारंटी इंसेंटिव एंड इंटरेस्ट सबवेंशन लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस विल बी एबल टू लेंड इजिली। ओके, दे विल बी एबल टू लेंड इजिली and it will also increase their consumer base. इससे उनका consumer base भी बढ़ेगा। Now what benefit will it provide to the consumers? So with reduced inefficiencies in the post harvest ecosystem, the consumer can get the better quality of crops. Consumer को better quality crops better time पे मिल पाएंगी। So these are some of the benefits of this particular scheme and now let's talk about the recent developments. इसमें कोई खास recent development नहीं हुई है, अभी एक recent development हुई थी। Some eligibility was changed. जो implementation year था उसको extend किया था, और जो पैसे देने का जो year था उसको भी extend किया था, तो वो I have already included. And now let's talk about the other recent developments. So as on 28th April 2021, it is with respect to the PIB news from 28th April 2021, the fund has crossed 8,000 crore mark. और जब मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, that is on 20th July 2021. Of course, it must have crossed more than this. Now, the largest share is contributed by primary agricultural credit societies, which was around 58%. The percentage is not important. Just remember that the largest share is contributed by PSEs. And the states leading the front are Andhra Pradesh number 1, Madhya Pradesh number 2, and Uttar Pradesh was at number 3 in inviting the applications under this particular scheme. All right. So I hope guys this scheme is clear. Ek bar aur jaldi se revise kar lete hain. Now, sabse pehle kya tha? Objective incentives and financial supports under the Agriculture Infrastructure Fund will be provided to the to various stakeholders for development of agricultural infrastructure. And this financial support is in the form of a loan, and for that particular loan, government is providing an interest subvention of 3% for a loan up to 2 crore rupees, and it is for a maximum period of 7 years. Ministry of Agriculture and Farmers Welfare is the implementing ministry. Then these are all the eligible beneficiaries, jisko aapko yaad rakhne ki zarurat nahi hai. If you want to remember anything, then just remember these two things: National and State Federation of Cooperatives and Federations of FPOs and SHGs, because they were recently included into the list of beneficiaries. Participating institutions, all the banks including NBFCs and National Cooperative Development Society. This is very important, you have to remember this. National Cooperative Development Corporation NCDC is also one of the participating institution, and for becoming a participating institution, the institution has to sign an MOU with either NABARD or the Department of Agriculture. ये मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क हो गया स्टेट लेवल, नेशनल लेवल एंड द डिस्ट्रिक्ट लेवल। देन लॉन्च ईयर है इसका 2020, इंप्लीमेंटेशन पीरियड है अप टू द फाइनेंशियल ईयर 2033 फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ 13 इयर्स, एंड देन पीरियड ऑफ फाइनेंसिंग फैसिलिटीज हाउ मच 6 इयर्स, टोटल जो कॉर्पस है दैट इज ₹1,00,000, 24% ऑफ द टोटल ग्रांट्स इन इट विल बी प्रोवाइडेड टू द एससीज और एसटीज बेनिफिशियरीज, 16% टू द एससीज एंड 8% टू द एसटीज। इंटरेस्ट सबवेंशन गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है 3% का अप टू अ लोन ऑफ 2 करोड़ रुपीस 7 सालों के लिए, ठीक है, और
क्रेडिट गारंटी कॉस्ट गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है अप टू अ लोन ऑफ ₹2 crores एंड दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्कीम एंड रिमेंबर एक क्वेश्चन इस स्कीम में से पक्का आएगा 100% यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम दिस स्कीम और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन एक तो पक्का है Up to which financial year the central sector scheme of financing facility under agri infra fund is being implemented? So, up to which financial year? So, it is being implemented up to the year 2032-33 and for overall period of 13 years. So, I hope this question is clear. Question number 2. Which of the following is not one of the participating institutions under the central sector scheme of financing facility under agri infra fund? Okay, is not one of the participating. Scheduled commercial banks are there, RRBs are there, SFBs are there, payment banks are not there. Option D, guys, will be the correct answer. Payment bank is not, are not one of the participating institutions under this particular scheme. Question number 3, how much percent of total grants in aid under the scheme would be utilized for SC or ST entrepreneurs under the central sector scheme of this? Okay, so this is how much, guys, 24%, because they are asking दोनों का मिला के दे आर आस्किंग टुगेदर फॉर एस सीज एंड एस टीज बट इफ इफ द क्वेश्चन इज रिगार्डिंग एस सी ओनली देन द आंसर वुड बी 16% इफ द क्वेश्चन इज रिगार्डिंग एस टी ओनली देन द आंसर वुड बी 8% बट दे आर आस्किंग टुगेदर सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज व्हाट 24% क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ इंटरेस्ट सबवेंशन अंडर द सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ फाइनेंसिंग फैसिलिटी अंडर एग्री इंफ्रा फंड मैक्सिमम पीरियड इज हाउ मच 7 इयर्स सो द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग 7 साल का इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर अ लोन अप टू अ लिमिट ऑफ 2 crores इंटरेस्ट सबवेंशन यस सो इट इज द करेक्ट आंसर 7 years सो गाइज दैट्स इट फॉर द स्कीम आई होप द स्कीम इज क्लियर एंड ऑल द क्वेश्चंस आर आल्सो क्लियर एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स सो एज यूजुअली यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन मिलते हैं कल एक नई स्कीम के साथ सेम टाइम सेम प्लेस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गुड बाय टेक केयर एंड गॉड ब्लेस